बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती समाजवादी पार्टी पर हुई हमलावर। साथ ही ओलंपिक में भारत की तरफ से जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है उसको लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने बधाइयां दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र इनकी जयंती को लेकर एक ट्वीट किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम को बदलकर जनेश्वर मिश्र इनका नाम उस पार्क को देना, यह किस प्रकार का सम्मान है। इस प्रकार का सवाल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यहाँ यूपी के जिलों जिलों में अपार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी को अब श्री जनेश्वर मिश्र व भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आ रही है। यह सब इनके राजनीतिक स्वार्थ व सस्ती लोकप्रियता के नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को जनेश्वर मिश्र का अगर सम्मान करना था तो उनके याद में कुछ ऐतिहासिक स्थल बनाना था, ऐतिहासिक वास्तु का निर्माण करना चाहिए था, वो सही मायने में उनका सम्मान होता। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जनेश्वर मिश्र इनको याद कर रही है और उनके समाज के लोगों को जो सताए हुए हैं, जो परेशान ब्राह्मण समाज है, आज उस ब्राह्मण समाज को भाजपा भी याद कर रही है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि यह राजनीतिक स्वार्थ और नाटकबाजी लग रही है। साथ ही उन्होंने भारत के इस ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत को लेकर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल जीतने पर दिली मुबारकबाद। 41 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यह उपलब्धि निश्चित ही हर भारतीय को खुश व गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि भारतीय पहलवान रवि दहिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में रजत मेडल जीतने पर दिली मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए यह 5वां पदक है। इस महान उपलब्धि पर निश्चय ही देश भर में खुशी का माहौल। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी, इन्होंने 41 साल के बाद भारत को जिस प्रकार से ओलंपिक में मेडल हासिल हो रहे हैं, इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है। साथ ही संपूर्ण देश के लोगों को बधाई उन्होंने दी है, मुबारकबाद दी है। उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता और साथ ही उसके साथ साथ पुरुष हॉकी टीम ने जो ओलंपिक में मेडल जीता है, इस बात को लेकर उन्होंने बधाई दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र इनकी जयंती की भी हार्दिक बधाई दी है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर कड़क हमलावर हुई है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भी जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।